नमस्ते दोस्तों, ग्रेट थर्ड डिजर्ट से मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा। और आज आकाश से बातें करते इन ऊंचे ऊंचे दौरों में, टीलों में, आज हम आपको तीन विशिष्ट ट्रेन दिखाने वाले हैं। पहली है 02489 बीकानेर से दादर वेस्ट जाने वाली, और सेकंड गाड़ी है 06053 मदुरई से बीकानेर को आने वाली अनुव्रत एक्सप्रेस, और तीसरी ट्रेन है 04888 बाड़मेर से चलकर ऋषिकेश को जाने वाली ट्विन एल्को के साथ बेहतरीन गाड़ी, जो तीनों ही ऊंचे ऊंचे दौरों के लिए बहुत ही सुंदर संयोग और संगम बना रही है, जिसे देखते ही निश्चित रूप से मन प्रफुल्लित और उल्लासित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए चलते हैं रेत के इस अथाह समुन्द्र को पार करने की श्रृंखला में, और दूर दूर तक पसरा हुआ राजस्थान का ये अनटेम्ड डेजर्ट ऑफ थार, इसमें से निकल के आती हुई खूबसूरत भारतीय रेलों को, गाड़ियों को स्पॉट करने और उनके ब्लॉग बनाने के लिए लीजिए चल पड़ते हैं हम। और आज का ब्लॉग आप देखिए हमारे साथ, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी स्थित है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल बालू के ऊंचे ऊंचे टीबों और धोरों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल अद्भुत है। गर्मियों में यहाँ की रेत उबलती है और मरुभूमि में 52 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि सर्दियों में यही तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ की बालू रेत, जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। गर्मियों में मरुस्थल की तेज़ हवाएँ चलती है, जिन्हें लू कहते हैं, तथा रेत के टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देती है, ले जाती है। टीलों को नई आकृतियां प्रदान करती है। गर्मी ऋतु में यहाँ पर तेज आंधियां चलती है, रेत के बड़े बड़े टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर धकेल देती है, जिससे यहाँ के मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती जाती है। जनजीवन के नाम पर मरुस्थल में मीलों दूर तक कोई भी गाँव नहीं मिलता। प्रकृति की मार को सहन करते हुए भी यहाँ पर कुछ जातियाँ समृद्धि के चरम को छू रही हैं। थार के मरुस्थल में रहने वाले वीर एवं साहसी लोग होते हैं। देश प्रेम की भावना यहाँ पर कूट कूट कर भरी होती है। तो दोस्तों, हम बीकानेर से लगभग 25 किलोमीटर दूर आ चुके हैं मरुस्थल को पार करके। ये उदरामसर का छोटा सा स्टेशन है और यहाँ पर अभी 06053 ट्रेन, जैसे आप देख रहे हैं, आ रही है। ये ट्रेन मदुरई से 2 दिन पहले चली हुई है और ये उदरामसर के इन टीलों के पास आके खड़ी हुई है। और यहाँ पर ही हम आपको बेहतरीन क्रॉस दिखाएंगे, जो कि आगे बीकानेर से चलकर दादर वेस्ट को चलने वाली 2489 बीकानेर दादर स्पेशल एक्सप्रेस का यहाँ क्रॉस होएगा। और उसके तुरंत बाद हम आपको तीसरा जो गाड़ी दिखाएंगे, वह ट्विन एल्को के साथ, आबू रोड के ट्विन एल्को हैं WDM3A के, और बहुत ही शार्प स्पीड के साथ गाड़ी को उड़ाते हुए जा रहे हैं, जो देखने में बहुत ही मनोरम और मनोहारी है। मुझे आशा है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्त, देखते रहिए लगातार। इन ऊंचे ऊंचे दौरों से जो ट्रेन अभी आने वाली है, वह है 02489 बीकानेर से दादर। ये नागौर, जोधपुर, समदड़ी, जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, भीलड़ी, पाटन, मोदरान, अहमदाबाद और मेहसाना होते हुए दूसरे दिन 12:25 पे बम्बई दादर पहुंचेगी, दादर वेस्टर्न पहुंचेगी। ये था ब्यूटीफुल क्रॉस 2489 बीकानेर दादर के का
6053 मदुरई से बीकानेर आने वाली अनुव्रत एक्सप्रेस के बीच में उदय रामसर स्टेशन के बीच, और अब देखिए सीधी 0653 मदुरई बीकानेर ट्रेन चलने को तैयार। ये झोरों में से निकलती हुई बेहतरीन लगी। अभी आपने दो पावरफुल लोग मोस्टर देखे ईएमडी लोको 2489 बीकानेर दादर के अंदर था, WDP 4D 40474 BGKT का। 4D का मतलब दोनों साइड में ट्विन कैप थी, और 6053 मदुरई बीकानेर के अंदर WDP 4B यानी किसके ब्रेकिंग सिस्टम वाला LHP यानी लॉन्ग हुड फॉरवर्डेड आपने इंजन देखा। और अब तैयार हो जाइए 0488 बाड़मेर से बीकानेर आती आने आकर और ऋषि के जाने वाली गाड़ी में ट्विन एल्को आएंगे, जो WDM 3A के 4-स्ट्रोक इंजन है 16V16 के, और दोनों बहुत ही शानदार गति से अपने दोनों ही अपने पूर्ववर्ती EMD इंजन को भी मात देने के में तुले हुए हैं। और देखिए इनकी भी रफ्तार और पैशन और इनकी स्पीड, देखते मजा आएगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर अनुग्रहित करना, कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मैं आपका दोस्त डेजर्ट से राकेश शर्मा, थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।